हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइस, आज की जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, आज मैं लेने वाला हूँ $500 की ट्रेड फ्रॉम ओलिम्प्ट्रेड के लाइव अकाउंट से। हम लेने वाले हैं ट्रेड, जैसा कि आप इंटरफेस देख पा रहे हैं ओलिम्प्ट्रेड का। ठीक है, लॉगिन है ओलिम्प्ट्रेड का इंटरफेस मेरे वेब इंटरफेस पे। तो आज यहीं पे हम ट्रेड लेंगे, पीसी से ट्रेड लेने वाले हैं $500 की। तो सबसे पहले यार डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। तो गाइज, द वीडियो ना इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, देख के मजे लो यार, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी ट्रेड मत लेना। सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी इतनी बड़ी ट्रेड लो, क्योंकि ट्रेडिंग ना इज अ काइंड ऑफ अ सीरियस बिजनेस। ट्रेडिंग करना चाहते हो ना यार, ट्रेडिंग में प्रोफेशनली सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको एक तो माइनर स्टेप्स के साथ जाना चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जाओ, सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ो। मंजिल दूर है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि नामुमकिन हो, मंजिल तक पहुँचा जा सकता है दोस्त। बट ज़रूरत है सही स्टेप्स लेने की। अगर थोड़ा सा भी स्टेप्स डगमगाए ना तो फिसल के गिर भी सकते हो, एंड गिरोगे तो ऐसे गिरोगे कि वापस उठना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं होता, हर कुछ पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन आपको यही कहूँगा वीडियो देखो मज़े लो, बट इतनी बड़ी ट्रेड्स मत लो कभी भी, क्योंकि सीरियस बिजनेस है। इसको आप जॉब की तरह करो, एक ड्यूटी की तरह करो। ऐसा समझो कि आपकी ये जॉब है, 9 to 5 जैसे आप जॉब करते हो ना, वैसे ही सोचो कि आपका जॉब है। यहाँ पे आपको इतनी फिक्स सैलरी चाहिए पर मंथ, तो आप धीरे धीरे करके करो ना वो सैलरी। आप ये मत सोचो कि ये एक बिजनेस नहीं है, अगर आप इसको सीरियसली समझोगे या सीरियसली लोगे तो यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अभी स्पेस फैमिली, और वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे नहीं होते हो ज्वाइन तो बहुत कुछ मिस करोगे गाइस, सीरियसली। तो आज कि जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। गाइज, इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है, एंड अभी जो मेरे पास अकाउंट है लाइव बैलेंस, उसमें $7,767 की आप बैलेंस देख पा रहे होंगे। तो अब आप देखेंगे कि यार प्रीवियस मेरी ट्रेड्स जो है, छोटी छोटी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, बड़ी ट्रेड्स नहीं लेता, क्योंकि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मैं रेडी रहता हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो इन द सेंस कि कभी अगर लगातार 7 ट्रेड हार गए तो मैं, ऐसा तो नहीं रहेगा कि मैं खाली हो जाऊंगा, मतलब उसको मैं मार्टिकल से कवर कर सकता हूं। द सेम थिंग मैं आपके साथ भी कहता हूं कि आप भी इस तरीके से मैनेज करो अपने आप को, अपने अकाउंट को, कि आप एटलीस्ट लॉस में ना जाओ यहां से। तो यार स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई कर रखी है वो है EMA 5, EMA 13 एंड EMA 55। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये VIP स्ट्रैटेजी है। अगर आप ओलिम्प्ट्रेड के VIP मेंबर हो तो जाओगे नीचे, आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हो तो ये देखो नीचे VIP स्ट्रैटेजीज़ का एक ऑप्शन आता है। तो VIP स्ट्रैटेजीज़ में आपको ये स्ट्रैटेजीज़ मिल जाती हैं, और अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है वो फ्राइडे की है, तो फ्राइडे में बाई डिफ़ॉल्ट मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ये स्ट्रैटेजी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, ना मैंने कोई कस्टमाइज़ की है इस स्ट्रैटेजी में, ये ओलिम्प्ट्रेड द्वारा ही दी गई है VIP कस्टमर्स को। चेक करते हैं कि क्या होता है। तो मैंने अभी फ़िलहाल इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ज़्यादा तो ट्रेड्स नहीं ली हैं, बट जितनी भी ली हैं उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो $500 में कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास करेंसी है यूरो NZD, 90% का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से। ओके, वी हैव टू चेंज द करेंसी आई थिंक, क्योंकि यहाँ से कोई पर्टिकुलर इंडक्शन लाइक कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो चेंज करेंगे करेंसी को एंड देन यूरो कैट पे आते हैं। ओके, यूरो कैट पे यार सिग्नल था हमारे पास, यहाँ पे सिग्नल था डाउनवर्ड डायरेक्शन का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट वी मिस द सिग्नल। तो अब और कोई करेंसी चेक करते, कोई और ऐसी करेंसी मिल जाए बढ़िया सी जिस पे ट्रेड लेने लायक सिचुएशन हो। देखो यहाँ पे भी हमारे पास इस सिचुएशन पे सिग्नल था अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट वी मिस्ड अगेन। तो हमें कोई और ढूंढनी पड़ेगी करेंसी। तो गाइज मेरा तो यही कहना है कि यार अगर अपनी लाइफ के ना दिन के 20 से 25 मिनट इन्वेस्ट करते हो इन ट्रेडिंग लर्निंग, यानी अगर वीडियोस देखते हो और 20 से 25 मिनट कुछ सीखने को मिलता है कुछ भी, और जो आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प कर सकता है, मतलब कि अगर आपको कोई भी कहता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, या फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिगार्डिंग द सेम, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे लगता है आप उसका आंसर कर पाओगे, और कर पाना
कर देना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आई थिंक हर एक चीज़ की होनी चाहिए हमारे पास, अनटिल और अनलेस कि उसकी ज़रूरत हो या ना हो डजेंट मैटर, बट वी हैव टू गेन नॉलेज ना, नॉलेज हमें पास ज़रूरत है, और हर एक चीज़ की अगर नॉलेज होती है तो उसे हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके सो हाँ, बात रही ट्रेडिंग की ना, तो यार आप छोटे छोटे स्टेप्स में जाने की मैं हमेशा से बात करता हूँ। यहाँ पे यार लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ डजेंट मैटर, वो मैं क्लियर कर लूँगा मल्टीपल स्टेप्स से। द थिंग इज कि आप लोगों को थोड़ा सा फन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीरियस काइंड ऑफ बिजनेस है। हम जो मैं सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ, तो सारी वीडियोज़ में बड़ी बड़ी ट्रेड्स तो नहीं होती, छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं, और टेलीग्राम पे भी छोटी छोटी ट्रेड्स में लेता हूँ। और द थिंग इज़ अगर बाकी वीडियोस में जो बातें करते हैं सीरियसली, एकदम सीरियसनेस वाली बातें होती हैं, तो थिंग इज़ मैंने ये सोचा कि फॉर टुडे एटलीस्ट कि एक ऐसी वीडियो लाए जो आपके दिल में लाइक एक गूज बम्स आ जाए, एक धक धक हो जाए दिल में कि इतनी बड़ी ट्रेड कैसे होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मज़ा आए। तो दैट्स वाई अब हमारे पास ओके तो आई थिंक यार सिग्नल सिग्नल मिल सकता है। सो थोड़ा सा और वेट करेंगे रिपल पे, 80% का प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है बट कोई बात नहीं, क्योंकि वीआईपी अकाउंट में आपको 90% तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि रिस्क ही होगी डेफिनेटली, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा तो। बट जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़रूरी है एंड देन विल फर्दर प्रोसीड। ओके अब आप पूछ रहे होंगे इस लाइन का क्या काम है यार, ये स्ट्रेटजी जो है ना, इसके लिए मैं डिफरेंट और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो मैं नहीं चाहता 10 मिनट से ज़्यादा लंबी जाए, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हो, अगर मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लेने की सोच रहे हो या ली है या लोगे, तो फिर पेशेंस रखना यार, मेरे जैसे जल्दबाजी मत करना जैसे मैं जल्दबाजी अभी कर रहा हूँ। तो मैंने ये ट्रेड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है $500 की, डायरेक्शन है हमारा अपवर्ड एंड अगेंस्ट, टोटली हमारी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट है ये ट्रेड, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, टोटली हमारी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट है। ओके एंड लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड्स जो हैं वो टोटल चेंज हो गए हैं लास्ट कैंडल के बाद, यानी अगर इस कैंडल की बात करते हैं जो रेड कलर की कैंडल अभी बनी है, जिसके साथ टोटली ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, वी हैव 4 मिनट 27 सेकेंड्स लेफ्ट। अगर हम ये ट्रेड जीतते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है $500 से $900। ओके और अगर हम ये ट्रेड हार जाते हैं, अगर अभी देखिए मेरे पास एक कितना अच्छा मौका था, अभी अगर मैं इसको सेल कर देता इन बिटवीन, तो फिर मेरे को 500 समथिंग डॉलर्स का प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, नो लॉस पे, मतलब लॉस के चांसेस नहीं थे तब, तब हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट का चांसेस था। बट अभी भी देखो मेरे को 410 का, मतलब अगर मैं अभी सेल कर देता हूँ लेकिन मिल जाता है, लेकिन मैं क्यों ऐसा करूँ, ठीक है, जब हमने ट्रेड ली है तो भरोसा रखते हैं इस ट्रेड पे, भरोसा रखते हैं हमारे कैलकुलेशन पे, भरोसा रखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, और भरोसा रखते हैं थोड़े से लक पे। तो एक चीज़ और हमेशा से कहूँगा, जैसा कि यहाँ पे कोई कुछ कुछ कह नहीं सकता, फ्यूचर प्रिडिक्शंस करना इतना पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। इन ट्रेडिंग ना, बाइनरी ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्शन करना, अबाउट फॉर 1 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल, इट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम प्रॉफिटेबल सिग्नल पे हैं, अभी हमारे पास 3 मिनट 20 सेकंड है और अभी हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता फॉर फर्दर कैंडल्स। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये ट्रेड जो है विन कर ही जाएंगे, हम हार भी सकते हैं ये ट्रेड डेफिनेटली, क्योंकि अब देखो अब रेड कलर की कैंडल बनना अगर स्टार्ट हो जाती है तो एक ही कैंडल हमें पूरा डुबो के जा सकती है, एक ही कैंडल हमारा जो पूरा पैसा यहाँ से लेके जा सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो लाइक बहुत ही बिजनेस जो है ना, ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, इसको आप जॉब की तरह करो, है ना। एक मैं नई चीज़ इंप्लीमेंट करता रहूँ करना चाहूँगा, जैसे कि इससे पहले मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि पेशेंस लेवल आपके इंक्रीज़ करने चाहिए आपको, अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो।
एंड द सेकेंड थिंग, आपको एक प्लान के साथ चलना चाहिए, एक अच्छा सा प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो वर्कआउट होने के चांसेस अच्छे होते हैं, आपके प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके इन दी एंड आप पैसा घर पे लेके जाओगे इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। तो अब बात करते हैं प्लान की, मैंने बात कर ली, तो इस सब में मैं एक चीज़ और आज ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि आपको जैसे आप ट्रेडिंग करते हो ना कभी भी, तो प्लानिंग और पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट क्या है उस टाइम पे जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। माइंडसेट इन द सेंस कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो यहाँ पे, और आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि यहाँ पे एक गैम्बल है, मैं प्रॉफिट कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता, यानी इट्स अ काइंड ऑफ अ गैम्बल, तो चांसेस बहुत कम होंगे आपके प्रॉफिट लेके जाने के यहाँ से। और अगर आप इसको सीरियस काइंड ऑफ नोट पे लोगे, एक सीरियस नोट ना, अगर आप एक सिक्का उछालते हो, एक कॉइन टॉस करते हो, तो उसके दो फेसेस होते हैं, आपको टेल भी आ सकता है, आप हेट भी आ सकता है, आप विन भी कर सकते हो, आप लॉस भी कर सकते हो, 50-50% चांसेस, लाइक 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज़ की, यहाँ भी 50-50% की प्रोबेबिलिटी है, बट वो प्रोबेबिलिटी मैनेज कैसे करते हैं, वो मैनेज करने की थिंकिंग मेंटेलिटी ये है कि जब आप ट्रेडिंग लो दैट टाइम ना, ये मेंटेलिटी में रखो, आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहनी चाहिए कि जब आप ट्रेड ले रहे हो ना तो ये आपका ड्यूटी है, यानी ये आपकी जॉब है, एंड 9 to 5 जैसे आप जॉब करते हो वैसे ही अगर यहाँ से आप प्रॉफिट नहीं लेके गए ना घर पे, तो इट मीन्स कि वो लॉस होगा आपका। तो वो मेंटेलिटी अगर आपकी रही ना वाइल ट्रेडिंग, तो बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जब तक आप इसको सीरियस नहीं लोगे ना, जब तक आप इसको ये नहीं रखोगे कि भैया यहाँ से लॉस भी हो सकते हैं, तब तक यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्लाइटली। अब देखो, अभी तक 4 मिनट्स तक अभी हम प्रॉफिट में थे, कंटिन्यूअसली 4 मिनट्स तक, यानी 4 मिनट 30 सेकंड्स तक अभी हम प्रॉफिट में थे इन द सेंस अभी भी हैं प्रॉफिट में, बट लास्ट कैंडल अगर आपने देखी है रेड कलर की कितनी बड़ी बनी है, एंड सारी प्रिडिक्शंस को ही पलट के रख दिया हमारी, मतलब प्रिडिक्शंस इन द सेंस कि अभी कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी देखो ओहो गाइस, आई होप कि आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे अभी तक, और मज़ा आ रहा होगा कि क्या हो सकता है विद इन 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds and 1 second and 0 एंड द ITM सिग्नल, वी गॉट ITM। ओके, तो अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो जब भी कोई प्रेडिक्शन लेते हो ना, अब 1 मिनट की लो 2 मिनट की लो है ना, 5 मिनट की लो 15 मिनट्स की लो, डजेंट मैटर, लेकिन सीरियस नोट पे लो, ठीक है। मैं तो हमेशा इससे यही कहना चाहूँगा, एंड द लास्ट में मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो यार अभी तक देखी हो ना तो हैशटैग टेक्निकल अभी ज़रूर यूज़ करना, एंड द थिंग इज़ एक और बात कि यार लाइक कर देना यार, भाई की डेयरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पे यार कमेंट कर देना यार, बहुत प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ अपडेट्स मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल के साथ बने रहते हो ना तो आपको पता है ट्रेडिंग को मैं बहुत आसान कर देने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एक हद तक आसान होगी ट्रेडिंग, और लाइक आसान होगी तो आपको मज़ा आएगा, एंड मुझे भी आप लोगों तक जो नॉलेज है वो पहुँचाने में मज़ा आएगा। गाइस चलिए यार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो यार, थैंक यू सो मच।